सो गाइस, ये एक क्विक एक अपडेट समझ लो या एक आपके लिए एक हेल्प समझ लो, क्योंकि जियो का जो धन धनाधन ऑफर है जो 3 महीने पहले आप सबने लिया होगा वो ख़त्म होने वाला है। अभी यही सब न्यूज़ चल रही है कि ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। सो सबके माइंड में क्वेश्चन है कि अब आगे क्या। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका ऑफ़र जो आपके पास जो प्लान है आपका वो कब तक चलेगा, और कब तक चलेगा मतलब उसकी वैलिडिटी कितनी है, और जिन्होंने 303 वाला रिचार्ज करवा लिया था पहले ही समर सरप्राइज़ वाला, उनके लिए क्या एडवांटेज है करके, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद ख़त्म होएगा तो उसके बाद जो नए प्लान जियो के हैं वो सभी मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो गाइज, अगर आपको अपने प्लान की डिटेल्स जाननी है जियो के, तो आपको माय जियो ऐप ओपन करनी है। माय जियो में आप गए, माय जियो अगर आपने ओपन करी तो आपको यहाँ पे जो इंटरफेस मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, डैशबोर्ड और बैलेंस। तो बैलेंस में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे, जैसे कि अभी तो मेरा दूसरा अकाउंट लॉग इन है, तो मैं अपना पहला जो पुराना वाला अकाउंट है वो लॉग इन करता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन किया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैलेंस में जो दिन भर का बैलेंस होता है कि आपने कितना यूज़ कर लिया, कितना बचा है, वो दिखाता है। अगर आपको प्लान डिटेल्स जाननी है तो आपको स्वाइप करना है और आपको देखना है माय प्लान्स में मैं गया, तो यहाँ पे आपको प्लान दिख जाएगा, करेंट प्लान जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 303 वाला समर सरप्राइज और जियो प्राइम मेंबरशिप, और कुछ नहीं दिखा रहा है बाकी, मतलब करेंट प्लान ही दिखाएगा यहाँ पे जो आपका चल रहा है अभी। अब यहाँ से बाहर आए हैं तो अब अपन चलेंगे माय स्टेटमेंट में। माय स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया 1 जुलाई से अभी करेंट वाली डेट यानी 14 जुलाई, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट हो जाएगी कि आपके करेंट प्लान की वैलिडिटी कितनी है, और आपका पूरा का पूरा अकाउंट दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ये नाम, एड्रेस, जियो नंबर वगैरह वगैरह, बिल, पूरा प्लान डिटेल्स में अगर गए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका प्लान एक्सपायर कब हो रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा 19 जुलाई को एक्सपायर हो रहा है ये वाला प्लान जो करंट प्लान है, और नीचे प्राइम मेंबरशिप की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। लेकिन आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपकमिंग प्लान्स और दिख जाएंगे, यानी कि जो मेरा 309 वाला प्लान है वो अब एक्टिवेट होगा 19 जुलाई के बाद, यानी 19 जुलाई प्लस 28 दिन मेरे को और जियो फ्री मिलेगा। तो ऐसे ही आप भी देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में ये एक्टिवेशन है कि नहीं है। ये उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों ने 303 वाला पहले जो रिचार्ज करा लिया था उन लोगों को ये बेनिफिट मिला था। तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 309 वाला रिचार्ज किया तो आपका 19 जुलाई को जहाँ तक है ख़त्म हो ही जाना है। तो अब बात आ जाती है कि अगर ख़त्म हो जाएगा तो अब क्या करना है। तो उसके लिए अब हम आ जाते हैं जियो की वेबसाइट पे, जहाँ की उसने नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। तो आपका अगर ये वाला प्लान ख़त्म होने वाला है तो आप नए प्लान में शिफ्ट कर सकते हैं। तो PC पे चलते हैं। तो अब चलते हैं jio.com पे। jio.com यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला इनका होम पेज है वहीं पे आपको दिख रहा है 3 months at 399, यानी कि इनके प्लान अपडेट हो चुके हैं। तो 399 वाला एक प्लान है, और अगर आप जियो फाई लेने की सोच रहे हैं तो अभी बहुत अच्छा मौका है कि 1999 में आपको जियो फाई के साथ 6 months के लिए 1 GB पर डे वाला ऑफर मिल रहा है सिम के साथ। मतलब आप अगर जियो फाई लेते हैं तो आपको सिम फ्री मिलेगी प्लस 6 महीने का ऑफर फ्री मिलेगा, क्योंकि मैंने कल ही ये चीज़ कर ली है और मेरे को ये 6 महीने वाला ऑफर मिला है। अब प्लान्स पे चलते हैं। तो प्लान्स में आप देख सकते हैं कि जो नए प्लान्स अपडेट हुए हैं वो जो इस प्रकार हैं कि जो नॉर्मल्स थे उनसे अपने को डबल वैलिडिटी मिलना स्टार्ट हो गई। जैसे जो 309 वाला है उसको 28 डेज़ की जगह पे 56 डेज़ कर दिया गया है, और आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है, यानी कि 4G अनलिमिटेड नहीं है, FU पे लिमिट है 1 GB पर डे वाली, उसके बाद अनलिमिटेड है। तो 1 GB पर डे वाली लिमिट अभी भी है। और उसके बाद एक और जो बेस्ट प्लान मुझे लगा है यहाँ पे, वो लगा है 399 वाला। 399 में आपको 84 डेज़ के लिए 1 GB पर डे मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 months है लेकिन कम्प्लीटली 3 months नहीं है। तो बेस्ट ऑफर अभी इनका यही है 399 वाला। अगर आपको इंटरेस्ट है जियो चलाने में वापस, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफर यही रहेगा 399 वाला। अब
बात रही पोस्टपेड यूजर्स की, तो पोस्टपेड यूजर्स को भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज दिया है। तो पोस्टपेड यूजर्स की प्लान है 309, 349 और 399, ये तीनों के तीनों 2 मंथ्स के लिए हैं और वो भी 1 GB पर डे वाली लिमिट के साथ हैं। और बाकी फिर और आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, मतलब 509 और ये सब करके पोस्टपेड वालों के लिए भी अच्छे खासे प्लान्स हैं अगर आपको जम रहा है, आपको अगर लेना है तो। सो देख लिया आपने आप कैसे क्या करना है, तो आप अपना सब माई जियो के थ्रू सारा स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि क्या आपको करना है, मतलब आपको अब रिचार्ज करवाना है कि नहीं करवाना है, और प्लान आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो 399 वाला प्लान है वो बेस्ट प्लान है, जो कि इसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा है और प्लस प्राइस भी, मतलब अगर कंपेयर किया जाए 309 से, तो उस हिसाब से प्राइस में बजट में बहुत अच्छा प्लान है वो। तो अगर आपको नया प्लान लेना है तो मेरे हिसाब से वो प्लान के लिए जाइए, वो प्लान बेस्ट रहेगा। बाकी फिर जैसा भी हो, आपको जो सूटेबल लगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, एक न्यूज़ थी, एक अपडेट थी आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो और मतलब डिसलाइक तो मत करो, एक्चुअली अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी टेक अपडेट्स, टेक रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा, जियो से रिलेटेड वीडियोज़ भी लाता रहूँगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय नाउ।